ऋषभ पंत की कप्तानी में कल दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2024 का 47 मुकाबला खेला गया और यहां केकेआर की टीम ने बाजी मारी। कोलकाता ने एक तरफा 7 विकेट से जीत हासिल की और इस हार के बाद कप्तान ऋषभ पंत काफी तमतमाए दिखे और इसके बाद उन्होंने टीम के सभी खिलाड़ियों को आड़े हाथों ले लिया। हालांकि अपनी गलती मानने के बावजूद उन्होंने टीम को ही हार का दोषी बता दिया, साथ ही उन्होंने टीम के लाज बचाने वाले कुलदीप यादव पर एक शब्द नहीं कहा। दरअसल कोलकाता के खिलाफ दिल्ली का प्रदर्शन बेहद ही खराब दिखाई पड़ा और इस टीम के आगे ऋषभ पंत की टीम पूरी तरह से बिखर गई। बल्लेबाजों ने जहां नाक कटाई तो वहीं कुलदीप यादव ने टीम की लाज बचाई और दिल्ली के स्कोर को 150 के पार लेकर गए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कप्तान पंत इस खिलाड़ी पर एक शब्द नहीं बोले, वहीं सिर्फ टीम के स्कोर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 180 से 210 तक के आसपास कुछ भी अच्छा स्कोर होता तो गेंदबाजों को बचाव के लिए पर्याप्त रन मिलता। गौरतलब है कि इस हार के बाद ऋषभ पंत काफी निराश दिखे और थोड़े गुस्से में भी नजर आए। हालांकि इस दौरान वह टॉस जीतकर अपनी बल्लेबाजी के फैसले पर कायम दिखे, जहां उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पहले बल्लेबाजी करना अच्छा ऑप्शन था। पंत ने आगे कहा कि एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, चीजें जिस तरह से चल रही थी उसके हिसाब से 150 का स्कोर कम था, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन आपका दिन नहीं होता है। अंत में उन्होंने कहा कि एक टीम के रूप में हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे वो अच्छा था, लेकिन ये खेल T20 में आते हैं। आपको बता दें कि कल के मैच में खुद कप्तान ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहा और कप्तान ने 30 रन भी नहीं बनाए और जब तक क्रीज पर थे तब तक संघर्ष करते हुए दिखे। उन्होंने 20 गेंदों में एक छक्का और 2 चौके की मदद से 27 रन की पारी खेली। तो आपकी इसमें क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स फैक्ट।